जी बेटा, इस पेपर का पार्ट टू है ये। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन। एन ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच है, उसको नीचे डिस्प्लेस करें, ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट्स अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। और नीचे आपको एनर्जी के ग्राफ के बनाए, जो पी वाला ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये कौन सा है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। माउस के ये नीचे ये किसका ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। अच्छा, और ये ऊपर से जो नीचे रहा है, ये मीन पोजीशन होती है ना, ये मीन पोजीशन में काइनेटिक मैक्सिमम होती है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और ये जो ऊपर को जा रहा है यू शेप, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अच्छा, वैल्यूज चाहिए होंगी, पीक वैल्यू पढ़ लेते हैं। ये पीक वैल्यू कितनी है, टोटल एनर्जी की पीक वैल्यू कितनी है, एक डब्बा 0.1 के इक्वल है बेटा। ये एनर्जी बन रही है 6.4 मिली जूल्स, 6.4 मिली जूल्स एनर्जी बन रही है। अच्छा, और एम्पलीट्यूड भी चाहिए होता है, एम्पलीट्यूड भी पढ़ लें। ये एक्स नॉट होता है ना बेटा, ये एक्स नॉट होता है। तो एक डब्बा किसके इक्वल है, 0.04 के, और यहाँ पे आ रहा है ये 1.5 बन रहा है, 1.5 cm ये बन रहा है एक्स नॉट। और टोटल एनर्जी कितनी है, 6.4 मिली जॉल्स। अच्छा, कहता क्या है, कहता है जनाब बताएं ग्राफ कौन से हैं, उन्होंने बता दिए। फिर आगे कहता है द ऑब्जेक्ट हैज मास 130 ग्राम। मास गिवन है आपको 0.130 किलोग्राम। टोटल एनर्जी गिवन है आपको, हमने चेक की थी, 6.4 × 10⁻³ जॉल्स। और बेटा एक और चीज़ भी गिवन थी, एक्स नॉट भी पता था आपको, एक्स नॉट कितना था, 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए याद है। क्या निकालना है, डिटर्मिन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, टाइम पीरियड आएगा जब ओमेगा आएगा, तो फार्मूला टोटल एनर्जी का क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ओमेगा की जगह लिख लें आप, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π/T² एक्स नॉट स्क्वायर। और सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, और आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आती है, 0. टाइम पीरियड कितना आता है बेटा, वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। स्टेट द कॉज ऑफ डैम्पिंग, अपोजिंग और रेजिस्टिव फोर्सेज, अपोजिंग और रेजिस्टिव फोर्सेज। रेजिस्टिव फोर्सेज जो होती है ना, वो डैम्पिंग की वजह होती है, अपोजिंग और रेजिस्टिव फोर्सेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अ लाइट कार्ड इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विद द सेम इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड देन रिलीज्ड ड्यूरिंग ईच कंप्लीट ऑसिलेशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बाय 8%, 8% टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो रह कितनी गई, 92% डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी कितनी है, 8%। लेफ्ट ओवर एनर्जी कितनी है, रिमेन्ड एनर्जी कितनी होगी, अच्छा बेटा, अब हो क्या रहा है कि आप सपोज करो कि पहले उसका एम्पलीट्यूड था ए, एक साइकिल में, अगले साइकिल के बाद उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका 92% रह जाएगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड नहीं, टोटल एनर्जी, पहले इसकी टोटल एनर्जी थी कितनी थी, सपोज 6.4 थी ना, 6.4 थी, एक ऑसिलेशन के बाद क्या रह जाएगी इसका, 92%, मतलब 92/100 एक बार मल्टीप्लाई होगा। फिर अगले साइकिल के बाद इसका भी 92%, एक बार फिर 92/100 मल्टीप्लाई होगा। फिर अगले साइकिल के बाद फिर इसका 92, 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने 92/100, 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 92/100, क्यों, क्योंकि 6 ऑसिलेशन है ना, हर ऑसिलेशन के बाद उसका, उसकी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो हम उसको कह सकते हैं रिमेन्ड एनर्जी कितनी रह जाएगी, रिमेन्ड एनर्जी कितनी रह जाएगी, 6.4 मिली जॉल्स है, मिली जॉल्स में आंसर आ जाएगा, इंटू 92/100⁶, 6 ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन के बाद उसकी एनर्जी कितनी रह जाएगी, 92/100, फिर दो के बाद ये, फिर तीन के बाद ये, फिर चार के बाद ये, फिर पांच के बाद ये, फिर ये, ये 6 बार मल्टीप्लाई होगा, तो रिमेन्ड एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी रह गई, फाइनल एनर्जी सॉल्व करो इसको, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 0.92⁶ कितनी रहेगी टोटल एनर्जी, 8.8
3.88 मिली जूल्स रह गई है, ये फाइनल एनर्जी है। अच्छा लॉस निकालना है ना, लॉस्ट इन एनर्जी कैसे आएगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी 6.4, फाइनल कितनी है 3.88, माइनस कर दें 2.52 मिली जूल्स, ऐसे करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, मैं 6 दफा क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि 6 ऑसिलेशन है ना, हर ऑसिलेशन के बाद उसकी एनर्जी 8% कम हो रही है, तो रह कितनी रही है 92%। स्टेट विद द रीजन द टाइप ऑफ डैम्पिंग दैट द कार इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम, टाइप ऑफ डैम्पिंग इट इज लाइट डैम्पिंग, क्योंकि काफी दफा ऑसिलेट कर रहा है ना, इट इज लाइट डैम्पिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेट कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा उसके बाद कहते हैं अ चार्ज स्फीयर एक्स इज सस्पेंडेड इन एन इंसुलेटेड स्टैंड, अ सेकेंड चार्ज स्फीयर वाई is suspended by the insulated thread so that the sphere y is in equilibrium at the position shown. अच्छा इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इतने डिस्टेंस पे रुके हुए हैं वो, ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में। आगे कहते हैं द चार्ज ऑन स्फीयर x इज 0.96 नैनो कूलम्स, ओके, द चार्ज ऑन y इज 64 नैनो कूलम्स, ओके। Assume that spheres behave like point charges. The length of the string is 1.2. Separated करना क्या है? Distance भी दिया है आपको. On figure 4.2, draw and label the forces acting on sphere y. इस पे तीन forces लग रही हैं. एक तो इसका weight, एक tension. और एक यहां पे इस तरफ को लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तीनों फोर्स लग रही है। डिटरमिन द मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर निकालना है, ठीक है, मास ऑफ स्फीयर निकालना है, ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल रही है ना, तो मास तो बाद में आएगा, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू नहीं, मास तो ना, ये बेटा जो एएस में पढ़ते थे आप लोग वेक्टर्स, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, याद है वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, हमने अपने स्टेप्स बनाए, सबसे पहले एरोज लगाते हैं, फिर एक्सेस बनाते हैं, फिर एंगल विद एक्सेस, फिर रिजॉल्व, फिर इक्वेशन, क्या था, ऑल एजियंस आर रियली एक्सेलेंट, मैंने आपको याद कराया था, ए फॉर एरोज बनाते हैं, एरोज बना लिए हमने, एक फोर्स कौन सी लग रही है उसके ऊपर, इसका वेट लग रहा है, वेट लग रहा है। अच्छा इन दोनों का सेंटर ही है ना, सेंटर की स्ट्रेट लाइन में इस तरफ को बनेगी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यूं लग रही है, और ऊपर को क्या लग रही है बेटा, टेंशन, आपने यूं ड्रॉ करनी है फोर्सेस, इलेक्ट्रिक दोनों सेम लेवल पर हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है इस जगह पर, ठीक है, और ये 90 का एंगल बनेगा। एरोज हो गए, फिर हम क्या बनाते थे, एक्सेस बनाते थे, याद है आपको, एक्सेस एरोज, एक्सेस एक्सेस बनाए, जरा एक एक्सेस ये था एक्स एक्सेस, और एक एक्सेस ये था y एक्सिस। अच्छा फिर हम चेक करते थे एंगल विद एक्सिस, एंगल विद एक्सिस, सपोज ये थीटा एंगल है, एंगल गिवन नहीं है, हम निकाल सकते हैं, ऊपर गिवन हो देखेंगे, एंगल निकाल सकते हैं, और कुछ डायमेंशन गिवन है, ये जो ट्राइंगल है ना, इसका आप ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इसकी ये बेस पता है आपको, और आपको इसका हाइपोटेन्यूस भी पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो साइन थीटा आ सकता है, साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, 0.080/1.2, तो साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा आ जाएगा इसके पास, साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग क्या आता है आंसर, इसका एंगल का इनवर्स निकालो, साइन इनवर्स ऑफ दिस, सब कुछ करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 3.8 डिग्रीज, ये 3.8 डिग्री है,
अगर हमने सही किया, रेडियन में तो नहीं है, कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, 3.8 डिग्रीज ये एंगल आ गया। अच्छा अब एरो एक्सिस, एंगल विद द एक्सिस, एंगल विद द एक्सिस भी आ गया। रिजॉल्व, रिजॉल्व करेंगे आप तो टेंशन के कॉम्पोनेंट बनेंगे, टेंशन का एक कॉम्पोनेंट ऊपर बनेगा, एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा दो कॉम्पोनेंट बन जाएंगे। अच्छा अभी इक्वेजन बन जाएगी, तो हमें पता है टी साइन थीटा किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के, टी साइन थीटा किसके इक्वल है इलेक्ट्रिक फोर्स के, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है वेट के, टी कॉस थीटा किसके इक्वल है वेट के इक्वल है, सही है ना। इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा आप इनको डिवाइड करें, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, टी टी से कट जाएगा, साइन ओवर कॉस क्या आ जाएगा टेन। देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लूँ, लेफ्ट हैंड से हैंड लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर वेट, तो टी टी से कट गया, साइन ओवर कॉस क्या आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम जी, एफ ओवर, अब एफ की वैल्यू अलग से निकाल लें, एफ की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, एफ कैसे आएगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, एफ किसके इक्वल होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल लो यार, निकाल लेते हैं के, के कितना है बेटा, के है 9 × 10⁻¹, वट इज क्यू वन, क्यू वन 64 नैनो कूलम, 64 × 10⁻¹, और वट इज क्यू टू 96 नैनो कूलम 10⁻¹, एंड वट इज सेपरेशन बिटवीन दैम 0.080 का होल स्क्वेयर। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सब कुछ करने करने के बाद, क्या आ रही है, सही किया आपने, कितना 8.64 × 10⁻³, 8.64 × 10⁻³। तो वैल्यूज डाल दें, यहाँ पे एंगल निकालें, टेन कितना है बेटा 3.8 डिग्रीज, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 8.64 × 10⁻³ ओवर एम जी, एम निकाल, मैथ निकालना कि वेट निकालना, मैथ निकालना था, जी होता है 9.81। अब एम को उधर ले जाए, टेन इधर आ जाएगा, एम को सब्जेक्ट बना लेना, हाँ जी बेटा हमने एम को सब्जेक्ट बनाना है, कौन सा कलर यूज करूँ, हाँ जी एम को सब्जेक्ट बनाने, एम किसके इक्वल हो जाएगा 8.64 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9.81 × 10³.8। जी बेटा आंसर बताओ, एम कितना आ रहा है सब कुछ करने के बाद, 0.013 सब कुछ कर दिया, तो 0.013 किलोग्राम्स। आई नो यार मुश्किल था, दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन लें, इसमें असल में वो आपका एएस का कॉन्सेप्ट आ गया ना सारा, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, दोबारा सुन लें क्वेश्चन। सबसे पहले वो कहता है इसे फोर्सेस ड्रॉ करें, तो आपने ड्रॉ की, इसके ऊपर तीन फोर्सेस हैं, उसकी तो चला जाता है नजर ही नहीं आता मुझे, एक तो उसका वेट है नीचे, वेट मतलब एम जी है, एक यहाँ पे टेंशन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा अब जनाब ये एंगल आपको चाहिए होगा, ये वाला एंगल आएगा ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल चाहिए आपको, तो मैंने इस ट्राइंगल को यूज़ किया, कौन से वाली ट्राइंगल को, ये जो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन वाली ट्राइंगल को यूज़ किया, ये यू लाइन आ गई, ये यू लाइन आ गई, और ये ऊपर से नीचे यू लाइन आ गई, इस ट्राइंगल को यूज़ किया और ये एंगल आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 0.080 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 1.2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 3.8 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, अब ये तीन फोर्सेज हैं मुझे इनका रिजल्टेंट, बेटा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो हेड टू टेल रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, इनऑर्डर ट्रायंगल बनेगी। देखो स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स मुझे इधर ले गई, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक खत्म हुई वहाँ पे मैंने क्या बना लिया, वेट बना लिया, वेट वेट मुझे यहाँ ले गया, ये क्या एम जी,
और जहाँ पे ये खत्म हुआ वहाँ पे क्या लग जाएगी, तीसरी फोर्स लग जाएगी, टेंशन। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा। और मुझे पता है टेंशन का वर्टिकल से कितना एंगल है, टेंशन का वर्टिकल से कितना एंगल है, ये एंगल 3.8 है। एंगल कितना है 3.8। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, उसका फार्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है आपके पास कितनी आई थी, हमारी याद है कुछ, भूल गए। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आई थी, निकाल लेते हैं दोबारा, के क्या होता है 9 × 10⁻¹, क्यू वन कितना था 96 × 10⁻¹, क्यू टू कितना था 64 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाय सेपरेशन कितनी थी 0.080। सॉल्व किया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ गई थी 0.8। अच्छा बेटा, हमारे पास ये वैल्यू है 8.64 × 10⁻³, ये वैल्यू है आपके पास। अब बेटा इसका राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी आपको एंगल भी पता है, एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है और एक साइड भी पता है। तो पहले एम जी निकाल लें, एम जी से फिर एम निकाल लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें यहाँ क्या यूज़ कर लिया, टेन 3.8 किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8.64 × 10⁻³ ओवर एम जी आ जाएगा, ओवर वेट एम जी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मैथ आ जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको पता है ना, हमने पढ़ा था ये, इसमें जब एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, द फोर्सेस में भी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, तो हमने वो कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैथ्स आ गया आपके पास, हमें बात खत्म नहीं हुई। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर नॉट स्क्वायर आर। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा के की वैल्यू भी है, क्यू वन भी है, क्यू टू भी है, आंसर बता दो। सब वैल्यू डालेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है 6.9 × 10⁴, ये आ रही है 6.9 × 10⁻⁴ जॉल। बेटा वैल्यूज डालोगे तो आ जाएगा आंसर, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा आगे कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द रीजन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स पी एंड क्यू दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 18 मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर का गैप है इन दोनों के दरमियान। ओके, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, पोटेंशियल डिफरेंस 250 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द रीजन। ओके, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन प्लेट। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, ऊपर की तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है। तो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, एफ ओवर क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो क्या लग जाएगा वी बाय डी। अब वैल्यूज डाल दें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो एलिमेंट्री चार्ज −19, वी की वैल्यू कितनी है 250, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है 18 मिलीमीटर, 18 × 10⁻³। सॉल्व किया तो फोर्स की वैल्यू बता दो क्या आंसर है, 2.2 × 10⁻¹⁶ −15 newtons आ रही है बेटा। ओके जी, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डजंट फॉलो अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन डजंट फॉलो अ सर्कुलर पाथ, बेटा सर्कुलर पाथ क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वर्टिकल वेलोसिटी है, तो यू नो इस पे दो फोर्सेस, ये फोर्स यूँ लग रही है ना, फोर्स चेंज नहीं होती जा रही। देखो सर्कल में घूमने के लिए पता क्या होता है, जब बॉडी यहाँ पर होती है ना तो फोर्स को यूँ होना चाहिए, जब बॉडी यहाँ होती है ना तो फोर्स को यूँ होना चाहिए, जब बॉडी यहाँ होती है ना तो फोर्स को यूँ होना चाहिए, फोर्स को भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन उसे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, फोर्स इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो उसका ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फाइव, अ कैपेसिटर अ बैटरी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट एंड रेजिस्टर आर एंड टू वे स्विचेस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, टू वे स्विच हैं और ये सर्किट है, ओके आपको सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, द स्विच इज इनिशियली एट पोजिशन, कहाँ गया लिखा हुआ, एस पोजिशन पर है, यहाँ पर है, जिससे क्या होगा कैपेसिटर चार्ज होगा, कितनी वोल्टेज तक चार्ज होगा 12 वोल्ट तक, वी नॉट 12 होगी इसकी, वी नॉट क्या होगी 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, और जब स्विच को टी पे लगाएंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, आफ्टर टाइम टी द स्विच इज मूव्ड टू मूव द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, द स्विच इज मूव्ड टू मूव द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मूव्ड, द वेरिएशन क्या क्या कह रहा है यार ये, द स्विच इज इनिशियली एट एस, ठीक है एस पर है, एस पर है, द कैपेसिटर इज फुली चार्ज हो गया, द स्विच इज मूव टू पोजिशन टी, टी पे लेगा, ठीक है, सो दैट कैपेसिटर डिस्चार्जेस, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, एट टाइम टी द स्विच इज मूव्ड, द स्विच इज मूव्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, हाँ टी टाइम के बाद जो उस पर चार्ज बचा है, रिमेन चार्ज की बात कर रहा है यार, रिमेन चार्ज क्यू है, टी टाइम की बात उसके रिमेन चार्ज क्यू, ये हमें पता है, पता नहीं उल्टा सीधा लिखा हुआ इसने, अच्छा ग्राफ क्या है जी, ग्राफ आपको दिया हुआ लॉग का और टी का, शो दैट द कैपेसिटेंस इज दिस मच, कैपेसिटेंस निकालना है, अब मेरा बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखें, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y के नीचे क्या आ जाएगा log q, m क्या होता है स्लोप, x के नीचे क्या आ जाएगा t, और c क्या होता है y इंटरसेप्ट, ये आपको मिल गया ग्राफ से, अच्छा अब आपकी कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये चीज़ें आती हैं, तो हमें बताइए वाली इक्वेशन है q इज इक्वल टू q नॉट e पावर माइनस t ओवर टॉप, पता है ना आपको, होता है ना, अच्छा भाई आर की वैल्यू गिवन है हमें, नहीं गिवन 12 वोल्ट गिवन है, ओके चलो सॉल्व करते हैं हम इसको, क्योंकि इसका सी भी आ सकता है ना, अच्छा बेटा मैं इसको लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग क्योंकि उस फॉर्म में लेके आना है ना मैंने, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर टॉप, अब इसको अलग अलग कर दें, आपको पता है लॉग है, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग ई पावर माइनस टी ओवर टॉक, मैं पहले लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, प्लस लॉग क्यू नॉट, अच्छा अब लॉग की जो पावर होती है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस टी ओवर टॉक लॉग ई प्लस लॉग क्यू नॉट, लॉग ई वन होता है, कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है फाइनली लॉग क्यू इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ना, वन ओवर टॉ, टॉ कैसे लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा टी प्लस लॉग क्यू नॉट आ गया आपके पास, अच्छा बेटा तो आपको समझ में आ गया कि वाई लॉग क्यू की जगह लॉग क्यू आ गया, टी की जगह पे टी आ गया, वाई इंटरसेप्ट की जगह पे ये आ गया, और स्लोप की जगह पे ये चीज़ आ गई, स्लोप इसके इक्वल है, स्लोप टी वन ओवर टॉ के इक्वल है, अच्छा तो सबसे पहले हम निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, लॉग क्यू नॉट के इक्वल है, वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, तो इसको यूज़ करते हैं क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्यू नॉट पहले इसकी वैल्यू पढ़ो, लॉग क्यू नॉट इसकी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पढ़ो, कहाँ यार माउस, ये 2.9 है, 2.9 ये क्या है 2.9, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है लॉग उधर जाके क्या बन जाता है ई बन जाता है, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा ई वाई इंटरसेप्ट, बेस ई बन जाता है, लॉग उधर जाके मैच एंटी लॉग होता है ना उधर जाके बेस ई बन जाता है, तो अब ये करेंगे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी, ई पावर 2.9 आ रही, सॉल्व करें इसको, शिफ्ट दबाएं एल एन तो ई लिखा हुआ आ जाएगा, आंसर बताओ 18.17 18.2 आ गया,
और ये ये क्यू की यूनिट क्या आएगी बेटा, आपको पता ना क्यू की यूनिट क्या थी? ये देखो माइक्रो कूलम्स है बेटा, इधर देखो ये माइक्रो कूलम्स, माइक्रो कूलम्स है 18.2 माइक्रो कूलम्स क्यू आ गया। अब हमें पता है क्यू नॉट किसके इक्वल होता है, सी वी नॉट, क्यू नॉट किसके इक्वल होता है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा 18.2 माइक्रो में रहने दिए, सी निकालना है, इनिशियल वोल्टेज कितनी थी, 12 थी मेरे ख्याल से, 12 देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, ये अपन नजर आ गई, ये वी नॉट की वैल्यू 12, तो सी कितना आ जाएगा 1.5 माइक्रो फेरेड, 1.5 माइक्रो, आपसे चेक करो 1.5 माइक्रो फेरेड। अच्छा बेटा ये हमने इतने लंबे तरीके से किया, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा, कैसे भला, डायरेक्ट आपको पता है कि ये लॉग क्यू नॉट है ना, लॉग क्यू है तो ये लॉग क्यू नॉट ही होगा, ये लॉग क्यू नॉट की वैल्यू ही होगी, लेकिन अगर इस तरह करके करेंगे तो समझ तो ऐसे ही आएगा, पूरा इक्वेशन बना के करेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो पहले क्यू नॉट निकाल लिया बेटा, असल में आपने सी निकालना था ना, असल में कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या निकालना था, सी निकालना था, हमें वी नॉट की वैल्यू पता थी 12, तो अगर क्यू नॉट की वैल्यू पता चल जाती तो हम लगा लेते क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये करना चाहते थे। तो क्यू नॉट को हमने कैसे निकाला, ये स्ट्रेट लाइन है, जब भी क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगी आप क्या अप्लाई करोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, उसकी इक्वेशन बनाओगे, फिर अपनी जो इक्वेशन, जो नोन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है उसको उसी फॉर्मेट पे लेके आओगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, देखोगे स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट की जगह पे क्या आ रहा है, इनको कंपेयर करके फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा। अच्छा आगे रेजिस्टेंस निकालनी है, अब आपको पता है इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप स्लोप वो किसके इक्वल है, माइनस वन ओवर टॉ या वन ओवर सी आर भी कह सकते हैं इसको, तो स्लोप किसके इक्वल है, इसकी स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन ओवर सी आर, तो आर निकालना है ना तो स्लोप भी इधर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू वन ओवर माइनस वन ओवर सी इंटू स्लोप, तो स्लोप का आंसर निकाल लें, सी आपके पास है तो रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है स्लोप निकाल सकते हैं ना इसकी, इस लाइन के ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, जी ग्रेडियंट निकालना आपको आता है, एक पॉइंट तो ये ले लिया मैंने ना, इसको मिटा रहा हूँ सब कुछ बेटा, एक पॉइंट तो ये ले लेना इसका, ये पॉइंट ले लेना, इसको पढ़ना आसान है, ये 2.9 और 0 है, यहाँ पे x 0 है और y कितना है 2.9, और यहाँ पे जिसको पढ़ना आसान है, कौन सा पॉइंट है जिसको पढ़ना बहुत आसान है, ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ से गुजर, ये 3.6 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, तो ये दूसरा पॉइंट क्या आ गया 3.6 एंड 2, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, इनको यूज़ करेंगे तो स्लोप आ जाएगी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 तो स्लोप आ जाएगी, और स्लोप का आंसर यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, टॉ आ जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड एट t इज इक्वल टू 0, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर होता है, हाँ हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वेयर, सी भी है और वी भी है, वी नॉट यूज करेंगे, क्यू स्क्वेयर से होता है, क्यू स्क्वेयर ओवर सी। अच्छा आगे कहते हैं अ सेकंड आइडेंटिकल रेजिस्टर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर, उसके पैरेलल एक और रेजिस्टर लगा दिया, द स्विच इज इनिशियली पोजिशन एन एस, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड द स्विच इज मूव टू पोजिशन टी सो दैट द कैपेसिटर डिस्चार्जेस एट टाइम टी आफ्टर द स्विच इज मूव्ड द चार्जेस क्यू, ऑन फिगर 5.2 स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद दिस, अब आपने 5 सेकंड के लिए ये ग्राफ बनाना है दूसरे का, देखो बेटा पैरेलल जोड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, पैरेलल जोड़ने से क्या होता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जब तुमने यहाँ पे एक रेजिस्टर और ऐड कर दिया है तो इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, है कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गई है, हमारी इक्वेशन ये बनी थी, अपने जहन में रखिएगा जरा, हमारी जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन अभी पिछले पार्ट में पड़ी थी आपने कहाँ गए, वो आई थी लॉग क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर टॉ, है ना, स्लोप के इक्वल था, प्लस लॉग क्यू नॉट, ये इक्वेशन थी ना आपकी। अच्छा ये इसके स्लोप की फॉर्म में लिख दें, आपकी ग्राफ की स्लोप थी ना वो किसके इक्वल थी,
आपकी ग्राफ की स्लोप इक्वल थी माइनस वन ओवर टॉ के इक्वल थी, वन ओवर टॉ या सी आर, वन ओवर सी आर के इक्वल थी। अच्छा, अब आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। आर की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अब ज़्यादा स्टीप लाइन बनेगी, अब ज़्यादा स्टीप लाइन बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, शुरू यहीं से करना है, कहाँ मेरा माउस के, शुरू यहीं से करना है और ज़्यादा स्टीप लाइन बना देंगे, ज़्यादा स्टीप लाइन बना देंगे, ठीक है, ज़्यादा स्टीप बना देंगे इसको। आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो बिल्कुल आधा कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर डबल हो गया तो उसकी स्लोप बिल्कुल यूँ हो जाएगी, ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जितने टाइम पे इधर थी ना, इसके आधे पे बनाएंगे, इसका हाफ, ठीक है, यहाँ हाफ पे बनेगी, हाफ पढ़ो मार्किंग से मिलेगा। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 0 or 2.9 से गुजरेगी, खत्म कहाँ पे होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4.0.9 एंड कंटिन्यूस फॉर 5 सेकंड। ठीक है बेटा, वैसे ही बनेगी यार, लाइन ऐसी बन जाएगी, ज़्यादा स्लीप बनेगी। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो बता सकते हैं आप एग्जैक्ट वैल्यू, और स्लोप पे क्या करनी है, रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल रेजिस्टर था ना, तो रेजिस्टेंस हाफ हुई है तो स्लोप डबल हो जाएगी, डबल्स हो जाएगी। तो स्लोप डबल होने का मतलब ये हुआ कि उसका ये डबल हो जाएगा उसके मुकाबले में ना, जितना ये नीचे आया था ना, उसका जो राइज था, ये फॉल था, वो डबल हो जाएगा, उसका डबल, इसका डबल, जितना ये नीचे आई थी ना, इसका डबल हो जाएगा। कितने डब्बे ये नीचे आई है, एक मिनट, यहाँ से है, कितने बॉक्सेस नीचे आई है आप ये चेक कर सकते हैं, उतने उतने बॉक्सेस को नीचे कर देंगे डबल। मैंने थोड़ा ज़्यादा नीचे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, मतलब ये इसका ये एक्स है ना, ये भी एक्स होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, इसकी स्लोप डबल हो जाएगी।